और दमाद जी ने डायरेक्ट मुंह में भी पूरा का पूरा टूस लिया। हाय गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसी वैंडरिंग सोल्स। और आज हाय मेरी नानी और मेरी मम्मा ने किया है। गाइस, आज आए हैं हम वहाँ चटोरा पहाड़ी। जी हाँ, चटोरा, और साक्षी तो है ही चटोरी। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, और ये बना हुआ है हमारे पहाड़ी कल्चर थीम के ऊपर। तो दिखाएंगे आपको कैसा है अंदर से और क्या क्या मिलता है यहाँ खाने को। और हम आए आज सारे परिवार, सिर्फ पापा जी को छोड़ा हुआ है, बाकी सब आए हुए हैं, और रॉक्सी को भी छोड़ा हुआ है। हमारा पूरे परिवार तो जी हाँ। और बाकी यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, मेरे बैक साइड में देख सकते हैं आप, सनसेट हो चुका है और नीचे दिख रहा है कोटद्वार का थोड़ा सा पार्ट दूर दूर तक। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको इस छोटे से कैफे की थीम और क्या क्या मिलता है यहाँ खाने को। आज हम चटोरा पहाड़ी पे आ रखे हैं और यहाँ हमारे गढ़वाल के कल्चर को दिखाया गया है कि पुराने ज़माने में क्या पहनते थे और कैसे रहते थे, क्या खाते थे, रहन सहन क्या था, क्या क्या चीज़ें यूज करते थे, वो सारा यहाँ दिखाया गया और हमें बहुत अच्छा लगा। ये देखो, पहले के जो पुराने ज़माने की लेडी रहती थी ऐसी रहती थी, नथुली, गला बंद, झुमके। उधर जब शादियाँ होती थी ये ढोल दमाऊ और पगड़ी तिगबंदा ये रहता था, ये लालटेन रहती थी, इसके सारे पढ़ते थे बच्चे। और वो मक्का मुंगरी टांग रखी है जो लटकी हुई है, ऐसी रहती थी। जब हम बीज के लिए रखते थे ना तो ऐसी लटका के रखते थे। ये छूतियाँ हैं चीड़ के, उसमें रहती है। सारा गढ़वाली कल्चर दिखाया गया, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई हमारी। और हमारे साथ बच्चे आ रखे हैं, मम्मी आ रखी है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। यहाँ पे काफ़ी अच्छा थीम बनाया हुआ है, छोटा सा कैफ़े, बहुत बड़ा कैफ़े नहीं है, बट उस साइड देखिए पीछे, वहाँ नीचे सिटिंग का भी बना हुआ है, वहाँ पे अगर आप ग्रुप में ज़्यादा लोग आते हो तो वहाँ बैठ के बुक्स रीड कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। इनके पास ऊनो कार्ड्स हैं, दूसरे कार्ड्स हैं और कुछ बुक्स भी हैं, तो वो सब आप यहाँ पे खेल सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। और कैफ़े है तो आप ऑर्डर करो, साथ में खाने पीने का यहाँ पे क्यूआर कोड है, स्कैन करो और उनको बता दो। तो अच्छी जगह है एकदम, और यूथ के लिए तो बहुत ही सही है, टाइम पास अच्छा खासा, आप 3-4 घंटे यहाँ लगा सकते हैं, फन कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं और खेलिए, गेम खेलिए जैसे कि है। गाइस, हमने ऑर्डर कर लिया है और जो मेन्यू था वो भी पूरा गढ़वाली थीम में था, पहाड़ी थीम में। सो उसमें जैसे कि घरिया चाय थी, चा थी, हमारे यहाँ चाय नहीं बोलते, चा बोलते हैं, तो वो सब था। सो अभी हमने ऑर्डर कर लिया, आपको दिखाएंगे वो कैसा है। गढ़वाल खाना बनो चाहे गढ़वाल पुराना जमाना के रीति रिवाज जो थे इधर देखना छो हम, और इधर देखना खराया छो, बहुत खुश हुआ छो हम इधर देख के कि जो बाद शादी जब ब्योहनी ना शादी जब ब्योहनी ना तो ये बाद बज गया हमारे यहाँ, और उधर देखना खराया तो बहुत याद आनी छो। अब नान ना तुम अब मेरा नात छी नतिण छी और जब बेट छा जवई छी सब उनको दगड़ छो मैं ये हमने ऑर्डर किया था चिकन बर्गर, टकाटक चिकन बर्गर। तो ये है, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो काफी छोटा है,
और प्राइस है इसका 100 रुपीज में। और ये हमने ऑर्डर किया था कटलेट, क्या किया था, इसका नाम क्या था? गार्लिक चीज टोस्ट। हाँ जी, गार्लिक चीज टोस्ट। तो एक तरह से पिज्जा की स्लाइस की तरह लग रहा है ये, काफी सारा चीज है इसमें, और खा के देखते हैं कैसा होता है। बर्गर तो ओके था, चिकन बर्गर, क्वांटिटी वाइज बहुत कम है, बाकी टेस्ट ओके है। और ये हमने ऑर्डर किया था पाव भाजी आई है, और साथ में दो चाय। तो देखते हैं टेस्ट करके ये कैसा होता है। बहुत अच्छा पाव भाजी, मुंबई की पाव भाजी बहुत अच्छी है। और पहाड़ी चाय, पहाड़ी चाय कैसे हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है। और ये है एग बर्गर, जैसे चिकन बर्गर था वैसे ही है, पर इसके अंदर एग की पैटी है। और देखते हैं ये क्या वाला कैसा है खाने में। चिकन बर्गर अभी तक का सबसे सही था, बाकी चीज़ें तो इतनी कुछ खास लगी नहीं। पाव भाजी मेरे को बिल्कुल बकवास लगी, और कटलेट जो था उसमें सिर्फ चीज़ चीज़ था, तो एक तरह से आप मोजरेला पिज़्ज़ा लेते हो वही था ऑलमोस्ट। सास अपने दामाद जी को खिलाती हुई, ओहो हो, हमें तो खिलाया नहीं गया, अपने दामाद जी पे इतना प्यार। और दामाद जी ने डायरेक्ट मुंह में भी पूरा का पूरा टूस लिया। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग, और ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग हम डालते रहेंगे जहाँ जहाँ हम जाते हैं, और दिखाएंगे आपको कहाँ कहाँ घूम रहे हैं कोटद्वार में, और कोटद्वार की छोटी छोटी स्पेशल जगहें। तो बताइए कैसा लगा आपका आज का ब्लॉग हमारा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।